का एक एक टारगेट है, वो हमेशा लोगों का लक्ष्य डाइवर्ट करते। अभी एक उन्होंने काऊ का या गाय का विषय लिया, उसने कितने लोग मरे, दलित मरे, किसान मरे और बिजनेस वाले मरे, उनका तो कारोबार चल रहा है। 90% हिंदुओं के कत्लखाने हैं, नाम देते कबीर, कबीर कत्लखाना। तो दलितों को और गरीबों को जो प्रोटीन मिलता था वो प्रोटीन से डिप्राइव करना, उनका जो थोड़ा बहुत उसके ऊपर बिजनेस निर्भर था उसको डिप्राइव करना। और ये जो अत्याचार की बात है, तो मैं हजारों साल का इतिहास आपको बता दूंगा कि उनका हमेशा काम है देश में अराजकता रखना, आपस में लड़वाना। अरे अरे होटल का हमेशा का काम है कि भारत देश में अराजकता रखना, कि तो ताकि क्या होता है, हिंदू इकट्ठा हो दलितों के खिलाफ, वो एजेंडा बदलते हैं। अभी उन्होंने खुद 18 बॉम्ब स्फोट, उनके लोगों ने 18 बॉम्ब स्फोट करने के बाद वो कहते कि हम तो शांति के लिए, हम तो क्या बोलते समाज कार्य करने के लिए आए बॉम्ब स्फोट करके, और उनको अभी छोड़ने की कोशिश चल रही। कोशिश ऐसी है कि वो प्रज्ञा ठाकुर जो मेन अकील है वो कहती है कि मैंने आदमी देना है बॉम्ब स्फोट के लिए और पुरोहित में अर्जेंट देना है, उनका करार है, वो एग्जीक्यूट हो रहा है और उसको बोलते कि वो इनोसेंट है। जब पहला मालेगांव बॉम्ब स्फोट हुआ और ज्यादा लोग मरे नहीं, तो वो फोन पे कहेगी, वो हमारे पास क्लिप है, बोलती इसलिए चार ही मुस्लिम मरे, क्या करते आप लोग, चार ही मुस्लिम मरे, तो ये क्या इसका उसका इनोसेंट है। तो दलितों को टारगेट करके ये अभी हमारा लक्ष्य विचलित कर रहे हैं। लेकिन आजकल दलित को बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से इकट्ठा हो सकती है, वो वोट के लिए इकट्ठा नहीं होंगे लेकिन अन्याय के खिलाफ वो इकट्ठा होते, तो उनका वो महंगा पड़ रहा है। इसीलिए वो दलित को टारगेट करके, मुस्लिमों को टारगेट करके, उनका एक ही उद्देश्य है कि अराजकता और अराजकता के कारण